हेलो स्टूडेंट, आज हम बीए पार्ट थर्ड का राष्ट्र गौरव का एग्ज़ाम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस पेपर को आइए सॉल्व करते हैं मिलकर। ये हमारी स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है, पर्यावरण पर जनसंख्या विस्फोट का निम्न असर हुआ। इसका जो आंसर है वो है वनों की कटाई और जैव विविधता का ह्रास। ये सी नंबर का, ए और बी ये दोनों ही ठीक होंगे। सेकंड क्वेश्चन देखें, भारत में राष्ट्रीय परिवार उत्थान कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ। भारत में राष्ट्रीय परिवार उत्थान कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ 1951, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस एक बीमारी का कारण जल प्रदूषण नहीं है। कोरोना, डी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। प्राकृतिक आपदा का एक उदाहरण है, चेर्नोबिल, न्यूक्लियर आपदा, चक्रवात आपदा, भोपाल त्रासदी, ये दोनों ही कृत्रिम कारक हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी, चक्रवात आपदी, ब्रूडलैंड रिपोर्ट किससे संबंधित है। ये ब्रूडलैंड रिपोर्ट जो है पर्यावरण से संबंधित है, तो इसलिए ये इसके डी, उपरोक्त सभी ठीक है। झूम एक है, झूम एक खेती करने का तरीका, सी ऑप्शन सही है। सातवां देखें, जल संरक्षण के लिए सबसे आर्थिक तरीका, इसका राइट आंसर है बांधों का निर्माण। नेक्स्ट, सीढ़ीदार खेती की जाती है, सभी जानते होंगे पहाड़ी क्षेत्र में। ब्रूटलैंड रिपोर्ट किससे संबंधित है, उपयुक्त सभी डी। दोस्तों ये थोड़ा दोबारा आ गया है, यहाँ से देखें, भारत में ठंडा रेगिस्तान पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है लद्दाख में। ओके, मानवाधिकार का वियना वैश्विक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था 1993 में, वी आंसर सही है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ, 12 अक्टूबर 1993, तो इसका ऑप्शन देखें ए इज अ राइट आंसर। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में। काजीरंगा अभयारण्य स्थित है, सभी जानते हैं इसको, तो कॉमन क्वेश्चन है। पारितंत्र के कौन से घटक होते हैं, जैविक अजैविक, सी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों। कुनेन की दवा प्राप्त होती है सिनकोना के पेड़ से। कंप्यूटर का हिंदी नाम है एनालॉग डिजिटल संगणकर, डी, डी ऑप्शन सही है। मेंडेलीफ द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में कितने वर्ग एवं आवर्त हैं, इसका ऑप्शन ए सही होगा, 9 वर्ग तथा 7 आवर्त। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है, जेनेवा में, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। भारत में संसद के निम्न सदन को एवं उच्च सदन को क्या कहते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा, ऑप्शन बी। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के किस नगर से हुआ था, फ्लोरेंस नगर। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस उद्योग से हुई थी, सूती कपड़ा उद्योग।
जल की उपस्थिति के कारण किसे नीलगिरह भी कहा जाता है? पृथ्वी को। फिरोजाबाद एवं शिकोहाबाद भारत में किस उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं? शीशा उद्योग। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? 1950, 1950। अध्यापक का पर्यायवाची है व्याख्याता, शिक्षक, आचार्य। ऑप्शन डी, सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। इंद्र का पर्यायवाची है अम्रपति। ट्वेंटी एट देखें, चंदन का पर्यायवाची शब्द है मलयज। सूर्योदय का संधि विग्रह है सूर्य प्लस उदय। ऑप्शन सी। परमार्थ का संधि विग्रह है परम प्लस अर्थ। ऑप्शन सी। महोपदेश का संधि विग्रह है महा प्लस उपदेश। ऑप्शन बी। अजन्म समास का अर्थ है जन्म पर्यंत। ऑप्शन सी। 33 देखें, वाकलम समास का अर्थ है कलम के साथ। ऑप्शन बी। उपकार शब्द का विपरीतार्थक शब्द है अपकार। नेक्स्ट, सूक्ष्म शब्द का विपरीतार्थक शब्द है क्वेश्चन नंबर 35 देखें, सूक्ष्म शब्द का विपरीतार्थक शब्द है स्थूल। अटारी तद्भव शब्द का तत्सम शब्द है अट्टालिका। ऑप्शन सी। उजला तद्भव शब्द का तत्सम होता है उज्जवल। ऑप्शन नंबर बी। गेहूं तद्भव शब्द का तत्सम शब्द है गोधूम। गोधूम। ऑप्शन नंबर सी। चीता तद्भव शब्द का तत्सम शब्द है चित्रक। ऑप्शन नंबर डी। नमस्कार शब्द का संधि विग्रह है नमः प्लस कार। ऑप्शन नंबर बी। नीरव शब्द का संधि विग्रह है नीरव शब्द का संधि विग्रह है ऑप्शन नंबर सी, नीह प्लस रव। मनोकामना शब्द का संधि विग्रह है मनह प्लस कामना। ऑप्शन नंबर सी। चतुर्दिक शब्द कौन से समास से संबंधित है? द्विगु समास। ऑप्शन नंबर सी। त्रिफला शब्द का समास अर्थ है तीन फलों का समाहार। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 45, दशम तत्सम शब्द का तद्भव अर्थ है दसवां। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है सबसे पुरानी नदी नर्मदा घाटी से। 47 देखें, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल है मोहन जोदड़ो। ऑप्शन नंबर सी। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। 50 देखें, किस स्तर के से ऊपर की ध्वनि प्रदूषण श्रेणी में आती है? 50 डेसिबल से अधिक।
ऑप्शन नंबर बी। पहली बार ओजोन छिद्र कहां पर पहचाना गया? क्वेश्चन नंबर 52 देखें। सीपीसीबी का मुख्यालय है, सीपीसी का मुख्यालय दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी। भारत में श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय गांवों में सामान्यतः ऊर्जा का स्रोत है लकड़ी तथा पशुओं का गोबर। स्टूडेंट देखें, जो एक क्वेश्चन पीछे छूट गया है उसका आंसर देखें। पहली बार ओजोन छिद्र कहाँ पर पहचाना गया था? अंटार्कटिका में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 से देखें दोबारा। चेर्नोबिल न्यूक्लियर आपदा किस वर्ष हुई थी? 1986, 1986, ऑप्शन नंबर बी। ठोस अपशिष्ट का कारण है बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, उपयोग एवं फेंको पद्धति, तो इसके लिए ये सभी ऑप्शन सी होंगे। स्वचालित वाहनों द्वारा उत्सर्जन धुआं में उत्सर्जन में मुख्यतः होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल बिल लागू हुआ? 1992, ऑप्शन नंबर ए। भारत की राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार वन क्षेत्र होना चाहिए 33%। निम्नलिखित किस देश की सबसे ज्यादा मानव जनसंख्या है? चीन, ऑप्शन नंबर बी। 61 से देखें। विटामिन डी का स्रोत है सूर्य की किरण। हरित सोने की संज्ञा दी जाती है वन स्रोत को। 63 देखें। मैथेन गैस को कहते हैं मार्स गैस, ऑप्शन नंबर बी। 64 देखें। निम्न में रबी की फसल है, निम्न में रबी की फसल है, वन मिनट। ऑप्शन नंबर सी। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित किस प्रदूषक स्रोत से वायु प्रदूषण निकलता है? ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से अजैव विघटनकारी प्रदूषक है? उपर्युक्त सभी मरकरी, एल्यूमिनियम, लेड, उपर्युक्त सभी। वातावरण की किस स्तर यानी लेयर में मौसमी घटना जैसे बादलों का बनना, बिजली का चमकना पूर्ण होता है? क्षोभ मंडल में। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रोजन। निम्नलिखित में कौन सी गैस एक वायु प्रदूषक नहीं है? देखें, ओजोन।
ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ट्रोपोस्फीयर ओजोन बनने में मुख्य भूमिका निभाती है? नाइट्रस ऑक्साइड। किस वर्ष यूरो में यूरो थर्ड मानक लागू हुआ था? सन 2000 में। कब एक शोर ध्वनि प्रदूषण होता है? जब वह अनचाहा हो। ऑप्शन नंबर ए। SPL का पूर्ण रूप होता है साउंड प्रेशर लेवल। नंबर बी। पर्यावरण पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई थी स्टॉकहोम। किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? नंबर 5 जून। किस व्यक्ति के लिए वन मैन एनवीरो लीगल ब्रिगेड शब्द का प्रयोग होता है? MC मेहता। वर्षण वनों का एक निम्न कार्य होता है? उत्पादन कार्य, संरक्षण कार्य, नियंत्रक या नियामक कार्य। तो इसका राइट आंसर है उत्पादन कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए। लोटिल जल स्रोत का एक उदाहरण है नदी, झील, तालाब, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से विश्व जल समस्या के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है जनसंख्या का बढ़ना? ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस कमी के कारण पेलाग्रा रोग होता है? ऑप्शन नंबर सी, विटामिन्स। ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी होने का कारण है? नाइट्रेट प्रदूषण। ऊर्जा का स्वच्छ स्रोत है कच्चा तेल, कोयला, जल शक्ति ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी। बायोगैस का एक मुख्य अवयव है मीथेन। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र स्थित है कोयंबटूर। ऑप्शन नंबर सी। शोर स्तर को मुख्यतः मापने के लिए हस्तचालित उपकरण कहलाता है ऑडियोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से इंफ्रासाउंड किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? भूकंप। ऑप्शन नंबर वन। प्रदूषित धुआं की पॉकेट कहलाती है स्मॉग ब्लूम। स्मॉग वायु प्रदूषण का एक प्रकार है जो कि ऑप्शन नंबर सी देखें, धुएं तथा कोहरे का वायु में मिश्रण। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? कर्नाटक तथा तमिलनाडु। मेघा पाटकर संबंधित है नर्मदा बचाओ आंदोलन। सूर्य की सबसे बाहरी परत कौन सी है?
कोरोना, क्रीट, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से प्रकाश का कुशल स्रोत कौन सा है? इलेक्ट्रिक बल्ब, कोरोसिन लैम्प, CSL या कोई नहीं, कुशल स्रोत। कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अणु का भाग है? 94 को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक अणु का भाग है? क्रिप्टॉन, आइसोटोप, प्रोटॉन, सल्फेट। प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर सी। भारत में किन महीनों में गर्म हवा बहती है? ऑप्शन नंबर सी, मार्च से जून तक। 96 देखें। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? बाणभट्ट ने। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता हैं? तुलसीदास। ऑप्शन नंबर सी। सिस्मोमीटर मापता है भूकंप को? ऑप्शन नंबर सी। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का? थैंक यू स्टूडेंट।